अभी एक नया ड्रामा इंडिया की तरफ से। इस ड्रामे का नाम आपको बताते हैं, ISI बिहाइंड नेपाल गोरखा यूथ प्रोटेस्ट अगेंस्ट अग्निवीर। यानी जो नेपाल के अंदर टेस्ट होने वाले थे गोरखा आर्मी की सिलेक्शन के लिए, नेपाल ने उसको बैन किया कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए। उन्होंने इंडिया ने सारा इल्जाम ISI पाकिस्तान पे डाल दिया। लो जी वीडियो देखते फिर आपको बताते कितना बड़ा ड्रामा करा इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं थी कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई हुई है और देश का दिवाला निकला पड़ा है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है अभी भी भारत की कब्रें खोदने में व्यस्त है। दोस्तों पाकिस्तान का ये जो रवैया है ये यही इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान भले ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा, लेकिन उस आखिरी सांसों में भी उसकी सोच यही होगी कि किसी ना किसी तरीके से वो भारत का बुरा कर दे। दोस्तों खबर क्या निकली है, खबर जानोगे आप हैरान रह जाओगे कि पाकिस्तान के अंदर लोग मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नेपाल के गोरखाओं को भड़का रहा था कि भारत की अग्निपथ स्कीम के अंदर आप भर्ती मत होइएगा। दोस्तों अमर उजाला ने इस न्यूज को ब्रेक किया है और आपके सामने अमर उजाला का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया है कि नेपाली गोरखाओं में अग्निपथ को लेकर जो बवाल मचा था वो ISI की बैठक से एक जुड़ा हुआ है। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान की ISI के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने एक मीटिंग की थी। दोस्तों ISI के ऑपरेटिव मोहम्मद रक्साना नूरती ने पाकिस्तानी दूतावास में भारतीय सेना से रिटायर्ड हो चुके ऐसे पूर्व अधिकारी के साथ मीटिंग की थी जो नेपाल में रह रहे हैं, और उस मीटिंग में उन्होंने उस अधिकारी को ये संदेश देने के लिए बोला था कि गोरखा युवाओं को बताओ कि अग्निवीर भर्ती उनके लिए सही नहीं है और उन्हें अग्निवीर भर्ती में शामिल नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस मीटिंग के बाद गोरखा युवाओं के अंदर ये एक फेक न्यूज चलाई गई और उसके बाद गोरखा युवा जो है इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कल ही हमने आपको जो BBC न्यूज खबर बताई थी वो उस बात का सबूत है। हालांकि अमर उजाला ने इस बात की एक पुष्टि की है और आर्टिकल भी लिखे हैं, तो आप ये जानकर हैरान रहोगे कि पाकिस्तान एक तरफ तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अग्निपथ स्कीम को लेकर नेपाल के युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहा है। अब दोस्तों ये भड़काने का प्रयास कितना मर्जी कर ले, लेकिन नेपाल के जो युवा हैं अपने अनुशासन और इसी के साथ अपनी जुबान के बहुत पक्के होते हैं। यही कारण है कि ब्रिटेन की जो क्वीन है उसकी सिक्योरिटी में भी नेपाल के गोरखा शामिल हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय सेना के अंदर जब ब्रिटेन राज करता था भारत के ऊपर, तो भारत के अंदर एक 11 गोरखा रेजिमेंट थी, लेकिन अब फिलहाल भारत के अंदर सिर्फ 7 रेजिमेंट रह गई हैं और 4 जो रेजिमेंट हैं वो ब्रिटेन की सेना में चली गई थी। दोस्तों इन 7 गोरखा रेजिमेंट के अंदर 39 बटालियन है और इसमें 30,000 के करीब नेपाली नागरिक शामिल हैं, और अभी भी गोरखा रेजिमेंट के अंदर जो नेपाल के युवा हैं एक अच्छी खासी संख्या में है। और पाकिस्तान की ISI जिस तरीके से मीटिंग कर रही है नेपाल के पूर्व अधिकारियों के साथ वो सही नहीं है, और बेसिकली गोरखा युवाओं को भड़काने का प्रयास नेपाल के अंदर पाकिस्तान कर रहा है। अब दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो दोस्तों पहली बार मुझे एक इतनी खुशी हुई है कि यार मेरी कंट्री की ISI इतना बड़ा काम कर रही है कि गोरखा को भड़का के इंडिया में ना जाने के। यार कितना फनी न्यूज था ये। देखो यहाँ पे बात ये है ना, कोई भी आर्मी का, एक नेपाली आर्मी का समझ लो, इंडियन आर्मी का एक रिटायर्ड मेजर या सोल्जर हो, उसको एक अनजान बंदा की कहे, उस मेजर को ये भी नहीं पता कि वो ISI का बंदा है, वो कौन है, और उसको जाके ये कह दे कि भाई आपकी कंट्री के जो गोरखा से उनको इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं करो वरना आपकी आर्मी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो आप किसी की बात पे मान जाएंगे क्या? मुझे इस बात पे हंसी आई कि इतना फनी रिपोर्ट बनाया क्यों है यार, अजीब हंसी आ रही है। पाकिस्तान का लिंक हो सकता है नेपाल से, अजीब। पाकिस्तान जितना ताल्लुकात अच्छा करना चाह रहा है उतना इंडिया सही है ना, बट बात यहाँ पे ये है कि नेपाल पाकिस्तान की जो ताल्लुकात है वो काफी बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, और इंडिया वैसे ही इंडिया और नेपाल की ताल्लुकात खराब है। जैसे अग्निपथ स्कीम के थ्रू नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी में जमा होने वाले थे, यानी इसके अंदर शामिल होने वाले थे या उनकी सिलेक्शन हो रही थी, वो रुक गई है कुछ टाइम पे, नेपाल आर्मी ने इसको रोक दिया है, और साथ में ब्रिटिश आर्मी के अंदर भी ये गोरखा आर्मी नहीं जा रही। तो इसका सारा इल्जाम इंडियन मीडिया और इंडिया के लोगों ने पाकिस्तान ISI पे डाल दिया। लो जी अब आपको पता चल गया कि पाकिस्तान की ISI इतना बड़ा काम कर सकती है। आप मुझे लाजमी बताइएगा कि ये सच खबर है या झूठी खबर है, आपको कितनी हंसी आई है लाजमी बताइए कमेंट सेक्शन में।